मुझे लगता है कि आज के समय में अगर गांधी परिवार की बात होती है तो आपके सबके मन में राहुल गांधी ही सामने आते हैं और आप लोग बस राहुल गांधी तक ही सीमित रख लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं, एक चेहरा और है जो गांधी परिवार का ही हिस्सा है। ये अलग बात है कि आप देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के मुखिया हैं लेकिन ये दूसरी पार्टी में है। और आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली हुई है। लेकिन मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं उसे राजनीति विरासत में नहीं मिली हुई है। उसने अपनी दम पर, आप देखिए, अपना जो भी राजनीतिक सफर तय किया हुआ है, अभी तक वो जो भी पाया हुआ है अपनी दम पर पाया हुआ है। जी हाँ, मैं वरुण गांधी की बात कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इनके बारे में जानते भी हैं क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में बस राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। क्योंकि आप देखिए, वो एक तरह से कांग्रेस के लीडर हैं और पूरा कांग्रेस ही उन्हीं पर एक तरह से टिका हुआ दिखाई देता है। तो आप लोग स्क्रीन पर एक सामने फोटो दिखाई दे रही होगी आपको, ये हैं वरुण गांधी। और इनका परिचय आप देखेंगे तो बहुत, मतलब आप देखिए कि संजय गांधी को आप लोगों ने सुना है। मुझे नहीं लगता है कि आज की पीढ़ी को संजय गांधी के बारे में भी मालूम होगा। राजीव गांधी के बारे में आप सभी जानते होंगे लेकिन संजय गांधी के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तो ये हैं वरुण गांधी। और आप अभी आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्य भी हैं। तो ये अपना पूरा नाम लिखते हैं, फिरोज वरुण गांधी, फिरोज वरुण गांधी। और इनका जन्म होता है 13 मार्च 1980 को, 13 मार्च 1980 को नई दिल्ली में। और आपको बताया है कि ये गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखते हैं। और आपको बता दूं कि जब 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी लगाई गई, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय अगर कोई फैसला ले रहा था तो वो थे संजय गांधी, ना कि इंदिरा गांधी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय अगर कोई राजनीति में सक्रिय था, और इंदिरा गांधी के समय पावरफुल था, पावर किसी के पास थी, तो वो थे संजय गांधी। लेकिन आप सभी जानते हैं कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री संजय गांधी हैं। और इनके, आप देखिए, राजनीति से जुड़े रहे हैं। और अगर हम लोग वरुण गांधी की माता की बात करें तो आप सभी जानते होंगे श्रीमती मेनका गांधी हैं, जो पर्यावरणविद और राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दूं कि जब आप देखेंगे संजय गांधी की डेथ होती है, यानी कि वरुण गांधी के पिता की मौत होती है, उस समय 4 महीने का माना जाता है कि 4-5 महीने का वरुण गांधी थे। तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें याद भी नहीं होगा अपने पिता का चेहरा। उसके बाद आप देखिए कि इनकी माता पूरी तरह से गांधी परिवार से हट जाती हैं। संपत्ति की बात हो या राजनीतिक, जो भी आप देखिए विरासत की बात हो, उसके बाद नया मुकाम जो भी पाया है इन्होंने अपने दम पर खड़ा किया हुआ है। और अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें, जीवन साथी की, तो आप देखेंगे आमनी गांधी इनकी बीबी का नाम है, पत्नी का नाम है। वहीं इनकी एक पुत्री भी है, अनुसुईया, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम है। और शिक्षा की अगर हम लोग बात करें वरुण गांधी की, तो ऋषि वैली स्कूल, मॉडर्न स्कूल सीपी नई दिल्ली और ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली से शुरुआत की इन्होंने, शिक्षा ली हुई है। और उसके आगे देखेंगे आप तो इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस से इन्होंने बीएससी की हुई है। आप लोग स्नातक करते हैं ना 12वीं के बाद, तो उसी तरह से इन्होंने भी पढ़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था भी पढ़ी हुई है और राजनीति भी पढ़ी हुई है। और आपको बता दूं कि राजनीतिज्ञ तो हैं ही, राजनेता तो हैं ही, साथ में आप देखेंगे एक अच्छे लेखक भी हैं और एक अच्छे कवि भी हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी तक जब हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आगे का मालूम नहीं कि आजकल आप देख रहे हैं कि नेताओं का कुछ भरोसा नहीं होता है, पता नहीं कब कौन सी पार्टी में शामिल हो जाए, समझ रहे हैं। और आपको बताया कि जैसा कि संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, और जब साल 1980 में वरुण गांधी 3 महीने के थे, समझ रहे हैं आप लोग, जब इनके पिता की डेथ हुई उस समय मात्र 3 महीने के थे। और इंदिरा की हत्या तब हुई, तब की गई जब 31 अक्टूबर 1984 को वरुण
4 साल के थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके इनका जो इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, उनकी डेथ इंदिरा गांधी से पहले हो चुकी थी। एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो चुकी थी और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की भी डेथ हो जाती है। उस समय ये मात्र 4 साल के थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इनके राजनीतिक सफर की बात करें और जिस कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी राजनेता के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसका राजनीतिक बैकग्राउंड देखकर ही बात करते हैं। तो वरुण गांधी औपचारिक रूप से 2004 में अपनी माँ मेनका गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। कब? 2004 की बात कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि 2009 में आम लोकसभा चुनाव भी होते हैं, जिन्हें आप लोग आम चुनाव कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों के चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, आप लोग उसका चुनाव करते हैं। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों की अगर 18 साल की उम्र हो चुकी होगी तो आपका भी वोटर आईडी बन गया होगा, मतदाता सूची में नाम जुड़ गया होगा, और आप लोग विधायक को भी चुनते होंगे और लोकसभा चुनाव जब भी होते हैं लोकसभा सदस्य को भी चुनते होंगे अपने। तो 2009 में लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद आप देखेंगे उसमें वरुण गांधी पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने 4,19,539 मतों से जीत हासिल की। और आप समझ सकते हैं कि एक बहुत भारी बहुमत, बड़ी जीत है एक तरह से, समझ गए। और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बीएम सिंह को 2,81,501 मतों के अंतर से हरा दिया इन्होंने। तो पहली बार 2009 में ये लोकसभा सदस्य बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे गांधी परिवार के मार्जिन के हिसाब से यह सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। और 2013 में राजनाथ सिंह, जो उस समय भाजपा के प्रमुख थे, इन्होंने वरुण गांधी को भाजपा का महासचिव नियुक्त किया था। तो भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं, कौन? वरुण गांधी। वही पार्टी अब तक के सबसे युवा महासचिव माने जाते हैं वरुण गांधी। और आप देखते हैं कि 2014 में फिर से आपके लोकसभा चुनाव होते हैं और इस चुनाव में आप देखेंगे वरुण ने सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अमृता सिंह को हराया, यानी कि 2014 में वो फिर से लोकसभा सदस्य बनते हैं। पर आप सभी जानते हैं कि 2014 की बात 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं आपके, और 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तो अभी तक आप देखिए इन्होंने जहां भी राजनीति में हाथ अपनाया तो वहां इन्हें कामयाबी ही हाथ लगी, अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा, समझ रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक सफल नेता भी कह सकते हैं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि कुछ तो इनका अपना बैकग्राउंड रहा होगा वहां जमीनी स्तर पर। आप देखिए 2009 में तो कोई भाजपा की सरकार नहीं थी ना, 2014 में तो आप कह सकते हैं कि मोदी काफी हवा अच्छी चल रही थी, 2019 में भी आप देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे की राजनीतिक सफर ही, इनका देखते रहिए, आप लोग न्यूज़पेपरों से जुड़े रहा करिएगा। और आपको बताया ना कि एक लेखक भी हैं और एक कवि भी हैं बेहतर। तो गांधी ने, वरुण गांधी ने सन 2000 में 20 साल की उम्र में द अदरनेस ऑफ सेल्फ नाम की अपनी पहली कविता लिखी थी और उनकी दूसरी कविता का शीर्षक था स्टेनलेस, जो आप देखेंगे अप्रैल 2015 में हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये पुस्तक आप देखेंगे बेस्ट सेलिंग नॉन फिक्शन पुस्तक सेलिंग बन गई थी और रिलीज, क्योंकि आप देखेंगे रिलीज होने के 2 दिनों में ही 10,000 से अधिक इसकी प्रतियां बिक गई थी। तो मुझे लगता है यहाँ भी आप लोग आराम से कह सकते हैं कि एक सफल कवि भी हैं, लेखक भी हैं, समझ रहे हैं आप लोग। 2018 में उन्होंने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपनी पुस्तक का विमोचन किया था जिसका शीर्षक था द रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर ऑफ इंडिया विद विलेजेज। और पुस्तक ने अपनी रिलीज के 10 दिनों में ही आप देखेंगे 30,000 से अधिक प्रतियां बेची थी। तो इस पुस्तक में भी आप देखिए काफी उन्हें सफलता मिली हुई है, 10 दिनों में 30,000 प्रतियां बिकने एक बहुत बड़ी बात हो जाती है,
कई लेखक तो आप देखिए जिंदगी में अपनी एक किताब की 30,000 प्रतियां नहीं बेच पाते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि वरुण गांधी अखबारों और पत्रिकाओं के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द एशियन एज, द हिंदू, आउटलुक जैसे लेख और नीतियां लिख चुके हैं। इन अखबारों से भी जुड़े रहे हैं, इनके लिए काम भी करते रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे उन्होंने मलयाला, मनोरमा, लोकमत, हिंदुस्तान टाइम, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, अमर उजाला, संदेश, वर्तमान, साक्षी और इस तरह के कई के लिए पत्रकार, यानी कि आप देखिए एक तरह से लेखक के रूप में इन समाचार पत्रों के लिए कॉलम भी लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं? कॉलम भी लिख चुके हैं। और आप लोग पढ़ते भी तो होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉलम पढ़ते होंगे। अब बात आती है एक राजनेता की, विवाद भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप राजनीति में उतरते हैं तो मेरा मानना है कि विवाद जुड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ वाक्य बनाया और उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस समय आप देखेंगे 20 दिनों तक उन्हें सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा था, तो इस विवाद के कारण भी काफी चर्चा में रहे थे। और एक विवाद आप 2009 में देखेंगे, उन्होंने पीलीभीत में अपने भड़काऊ भाषण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की अपील की थी। और अपनी याचिका में उन्होंने लिखा कि वह LSE, लंदन और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस से स्नातक थे और SOAS, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से स्नातोत्तर, यानी कि आप देखिए कि एक तरह से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आप देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं आप लोग, तो उसी तरह की। लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसी किसी भी डिग्री के अपने दावे से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि लंबी दूरी के प्रावधान के माध्यम से LSE में अपनी डिग्री BSc इन इकोनॉमिक्स अर्जित की है और उन्होंने केवल SOAS समाजशास्त्र में MSc के लिए दाखिला लिया, लेकिन कभी भी डिग्री पूरी नहीं की गई। तो इसके लिए आप देखेंगे काफी विवाद रहते हैं और नेताओं के तो मुझे लगता है कि डिग्रियों को लेकर काफी विवाद फंसा रहता है। आपने देखा है आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब पर भी आपने देखा है कि काफी समय तक इनकी डिग्रियां भी चर्चा में बनी रही, समझ रहे हैं। फिर आप देखेंगे 29 मार्च 2009 का भी एक विवाद है, उत्तर प्रदेश ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वरुण गांधी को बुक किया था, तो इस कारण भी काफी चर्चा में रहे। एक 2015 का भी विवाद इनसे जुड़ा हुआ है, पूर्व IPL प्रमुख ललित मोदी ने कहा कि वरुण गांधी कुछ साल पहले उनसे लंदन में मिले थे और उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के साथ सब कुछ निपटाने के लिए कहा और उन्होंने वरुण से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि वह उनके घर में हैं या नहीं। सोनिया गांधी को अपने आरोपों से इनकार करने के लिए आगे आना पड़ा था। और आपको बता दूं कि सोनिया गांधी और इनकी जो मेनका गांधी है, वरुण गांधी की माता, इनके बीच आप देखिए शुरुआत में ही काफी खींचतान रहा है और इसीलिए आप देखेंगे मेनका गांधी को घर छोड़ना पड़ा था, ठीक है। और राजनीति में आप देखते हैं इस तरह का होता है। एक 2016 का भी विवाद इनसे जुड़ा हुआ है, अभिषेक वर्मा ने आरोप लगाया था कि वरुण गांधी ने हथियार डीलर अभिषेक वर्मा और हथियार निर्माता के लिए रक्षा रहस्यों की को लीक किया और हालांकि उन्होंने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वर्मा द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह साबित नहीं हुआ कि उनके पास कोई जानकारी थी या उन्हें कोई जानकारी साझा थी। तो इस तरह का किनका? वरुण गांधी का अभी तक का सफर रहा है। और मैं यही बोलता हूँ ना कि वो आगे के सफर का तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भविष्य कर बताने वाले तो है नहीं है, समझ रहे हैं, कोई विद्वान हो। तो इसके लिए यही होता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, सोशल मीडिया आजकल एक्टिव है आप लोग, तो वहां भी आप लोगों को मालूम चलता रहता है जिस तरह से इनका अगला सफर रहेगा, आगे का आप लोगों को मालूम चलता रहेगा। चलिए, तो इनके बारे में भी बात कर ली हम लोगों ने, काफी राजनेताओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर कोई छूटा हो तो आप लोग बताइएगा, उसे भी हम लोग बात कर लेंगे उस पर भी, ठीक है।